डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कुछ तजुर्बे किया आपने होम्योपैथी पे? कभी कभी होते हैं जी। कभी कभी जी। फिर कुछ कोई तरह वो धड़ल्ले से नहीं जी। लेकिन नतीजा कोई उम्मीद अफजा? जी एक एक मरीज में नजर आया है मुझे, मतलब मेरी वो कमजोरी है अगर नहीं नजर आता। अच्छा, तो इसलिए कि वो मरीज को आ जाता कि नहीं? मरीज को आ जाता तो फिर ठीक है। तो अगर मरीज को नजर आता तो बिल्कुल ठीक है। तो खास केस को रिपोर्ट करने वाला एक जो गिडीनेस जिसको होती थी और टिनिटस वगैरह शाँ की आवाज़ कान में, तो उसको कॉकुलस मैंने ट्राई किया था। तो पहले वो लेती रही है सर्क वगैरह जो दवाइयाँ हैं, काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में भी गाल में इस्तेमाल किया। यहाँ फ़ायदा दो बल्कि हैं जी मरीज, तो उनको कुछ फ़ायदा नजर आ रहा है। बहुत अच्छा है, कान के अंदर अगर जो है ना उसकी ट्यूब जी उसमें खराबी हो अगर जी जी बैलेंसेज में और उसके सीलिया जो है उनकी जी जी जो प्रॉब्लम है, तो उससे कॉकुलस बेहतरीन दवा है उसकी जी जी। और अगर एनीमिक कंडीशन से खासतौर पर मलेरिया के बाद हो जी, उसमें चाइना बेहतर है। अच्छा, तो ये भी देखना पड़ता है इसका पस मंजर क्या ठीक है। इसीलिए मार्स की हुजूर के वो सारी अब पूरी तरह तो नहीं है, आस्ता आस्ता हो जाएगा। अभी आपने पड़ी भी तो थोड़ी दवाएं बहुत थोड़ी जी, अभी काफी जरूरत है।